की फ्लाइट में मैं यहाँ से कूद रहे हैं, ये देखिए स्लाइडिंग से उतर कर जा रहे हैं, कूद रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। उसके बाद देखिए लोग किसी तरह बचे, ये देख रहे हैं दूसरी तरफ जो इमरजेंसी विंडो होती है वहां से लोग कूद कूद कर भाग रहे हैं। हंगामा मच गया, भगदड़ मच गई, लोग अपने बच्चों को लेकर, अपना सामान लेकर, अपना लगेज लेकर भागना शुरू हो गए। देखिए सर, ये खबर इंडिगो फ्लाइट में यानी प्लेन में उड़ान भरने वाला था उससे ठीक पहले मिली। उसके बाद देखिए जरा लोगों को जहां जैसे मौका मिला इमरजेंसी गेट से लोग निकल रहे थे अपने बच्चों का हाथ पकड़े। एक माँ को आप देख रहे हैं, पिता पीछे पीछे, लोग अपना सामान जो हैंड लगे जहां साथ में फ्लाइट में ले जाते हैं उसके साथ उतर कर भागने लगे। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये एक महिला जिसे एयर होस्टेस लेकर आई है फ्लाइट पर, एयर होस्टेस ने पर उतारा है, जहाज का पर आप देख रहे हैं, पर खड़ी हुई है महिला और इस पर से उसे निकाला गया। देखिए अब आप अंदर दहशत का मंजर सोचिए, माहौल सोचिए, लोगों में डर सोचिए, खौफ सोचिए, जब पता चला कि फ्लाइट में बम की जानकारी मिली है। देखिए आज सुबह फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप मच गया। वक्त हो रहा था सुबह 5:35, फ्लाइट में बम की सूचना मिली। बम की खबर के बाद विमान को फौरन रोक दिया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की तलाशी शुरू हुई, इंडिगो के फ्लाइट की रनवे पर चेकिंग हुई, बम निरोधक दस्ते ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, रनवे पर यात्रियों की भी चेकिंग हुई, प्लेन और यात्रियों के सामान की चेकिंग की गई। इसके बाद यात्रियों को प्लेन से उतारा गया, यात्रियों की इमरजेंसी एग्जिट करवाई गई। दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में 176 यात्री मौजूद थे। दरअसल फ्लाइट में टिश्यू पेपर पर 5:30 के बीच धमाके के बारे में लिखा था, 5:30 बम लिखा हुआ जो मिला टिश्यू। टेक ऑफ से ठीक पहले टॉयलेट में टिश्यू पेपर मिला, क्रू मेंबर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को जानकारी दी। तुरंत बाद ही क्विक रेस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत एक्शन में आ गई।